मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से। आज हमारे साथ शरियार खान है और उनसे हम जो आईएमए का केस चल रहा है उसका अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। शरियार साहब, आपने पूरा ड्रामा तो देखा है आईएमए का, तो सबसे पहले चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुबई का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स देंगे आप। पेपर में आ रहा था कि एसआईटी का बड़ा मेन रोल था बोल के, दिल्ली के आने के बाद ईडी टेक ओवर की, उसको कस्टडी ले ली बोल के, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हें जो छपा था, एक सॉवरेन नेशन ही है, दूसरी नेशन को वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसके वेयर अबाउट्स, ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था ना, तो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि इंडिया एज अ नेशन वाज इन्वॉल्वड इन हंटिंग हिम आउट। उसके बाद एसआईटी के लोग गए रहेंगे वहाँ पे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लोग जाके रिक्वेस्ट करें तो ऑब्लाइज नहीं करते दूसरे सॉवरेन नेशन के लोग। इंडिया से बाकायदा ब्लू कॉलर नोटिस इशू हुई थी, उन्हें कहा था उसको ट्रेस करें, ये जॉइंट ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन था, उसको यहाँ लेके आए। लेके आने के बाद बिकॉज उन्हें दिल्ली में लैंड हुआ एंड ईडी का मेन इसमें रोल था, एसआईटी का सेकेंडरी रोल था, ईडी टेक ओवर मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट उसका ये करेंगे कि किसे कौन से पैसे दिया, कहाँ से पैसे दिया, वो रहता ना कि पैसे कितने आए, पैसे कहाँ गए बोल के, और इसका जो एलिगेशंस हैं कि फलाने पॉलिटिशियंस मेरे से पैसे लिए हैं, रिलीजियस लीडर्स लिए हैं, मजहबी लोग लिए हैं, वो सब तहकीकात करने के बाद उसका कस्टडी 3 दिन का ये है एक्सटेंड हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद फिर कोर्ट ले जाएं, एक्सटेंडेड कोर्ट ले जाके फिर उसके ईडी को और चाहिए, आस्क फॉर एक्सटेंडेड कस्टडी, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद एसआईटी अपना एंगल जो है वो खत्म होने के बाद एसआईटी अपना, एसआईटी और दोनों ऑर्गेनाइजेशन दे कैन अटैच द सेम प्रॉपर्टी, दोनों कर सकते हैं। अभी मंसूर खान के कुछ वीडियोस में देख रहा था, वो जिस कदर से हंस रहा है उसका मुझे समझ नहीं आया, मिस्टीरियस है, और हमारे लोग कमेंट करते हैं कि मंसूर भाई आ गए, ये मुझे फरहान साहब मेरे को समझ में नहीं आता है, हमारे लोग मंसूर साहब आ गए हैं अब पैसा दे दो, ये क्या समझ में नहीं आ रहा। ये खुली बात है कि इंग्लिश में उसे अभी मुस्लिम बोल नहीं सकते क्योंकि अभी उसका कन्विक्शन नहीं हुआ, अक्यूज्ड है, सारी चीजें ये बता रही हैं कि लोगों को ब्राइब दिया, लोगों को धोखा दिया, यहाँ से भाग गया। आज मुझे सुनने में आया कि कोर्ट में औरतें उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ये फरहान साहब, मैं आपके चैनल से मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात किया, ये लोग जो ऐसा कमेंट करते हैं ना कि इन लोगों की तहकीकात पुलिस कर रही है कि ये लोग कौन है, क्या है कि इनका फिरका है या ये पेड लोग हैं जो आईएसआईएस करते हैं ना बॉट्स, ये लोग, इनके ऊपर भी तहकीकात नेक्स्ट होगी कि ये लोग कौन, ये सिंपथाइजर्स हैं इतने बड़े अपेरेंटली एक क्रिमिनल इंसान जो भाग के आने के बाद से रिफ्यूज कर रहा था, जब उसे यहाँ के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड एसआईटी वाले मिलके बोले तेरा पासपोर्ट रिवोक हो गया है, तो दुबई से तो भाग नहीं सकता, हमारा एक्सटेंशन टीटी 2000 का है, तुझे हमें ले लेते हैं, ये इंग्लैंड नहीं, माल्या और नीरव मोदी बच गए क्योंकि उनका कानून अलग है, यूरोप का कानून अलग है, यूरोप क्या करती है गुनेगारों को सिटीजन भी बना लेती है, यहाँ हमारे गल्फ कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं लेकिन आप वहाँ कितनी भी मेहनत करो ना उन्हें तुम मुंह लगाते हैं ना उनके तुम्हें बेटियां से शादी कर सकते हैं, इसको भी ना देवड़ा किक्ड हिम आउट आफ्टर सेप्टेम्बर 5 जब उसका वीजा खत्म, उसको मालूम था कि ये होता है, तो एसआईटी वाले भी ईडी से क्या बोले, इज्जत से आके अप्रूवर बन के मेन अक्यूज है वो, कोऑपरेट कर तो शायद तुझे सजा कम होगी, अगर नहीं करा तो अपने तरीके होते हैं। ये हमारे लोगों को समझ में आता, मंसूर भाई आ गए हैं, मंसूर भाई आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। अरे नालायक हो तुम, तुम्हारी सेहत का ख्याल रखो, तुम लोग हो कौन तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, आज का एक इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस का आदमी जो बोल रहा था कि इनको भी लोग ये करेंगे कि ये है कौन ये लोग, कि एक आदमी जो इतने लोगों को 40,000 लोगों को धोखा देके 4,000 ईडी बोल रही कि 8 या 10 हजार करोड़, एसआईटी का हिसाब कुछ और है, बहरहाल इतने करोड़ खा के चला गया, इतने लोगों की शादियां रुक गई, बर्बाद हो गए, 5-6 लोग मर गए, इसको बोलते हैं कि मंसूर भाई आ जाओ, मंसूर भाई तुम्हारी सेहत ठीक करो, तुम लोगों को शर्म है, ये सारे पेट लोग नहीं है, देयर ऑल दे विल ऑल्सो बी कॉट, पुलिस इज कीपिंग एन आई ऑन देम। ये दूसरे लोग मुझे पूछते हैं कि ये कौन है खान साहब, ये क्या ऐसा लिखते हैं, इतना बड़ा धोखा देने के बाद लिखते हैं मंसूर भाई तुम्हारी सेहत ठीक कर लो, जिस कदर से वो हंस रहा है क्या आपको लगा कि उसकी सेहत खराब है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैं जब उसकी पहली वीडियो देखा तो मुझे भी कहेंगे अरे बीमार, उसकी बीवी भी थी उसके साथ, अरे वो जो कार में वो वीडियो रिलीज अभी नहीं हुआ है, मैंने देखा जब बैठ के बहुत अच्छे से हंस रहा है,
ये भी है कि उसकी बीवी भी उसके साथ थी, ये एमिरेट्स मॉल के पीछे एक फ्लैट में था, एक दिन पहले उसकी बीवी बच्चे उसका साला लेके आया, यही आके एयरपोर्ट ड्रॉप करके सेम फ्लाइट से एक दिन पहले आए थे, आए थे, इसके बाद ये आया था, इट वाज ऑल इंजीनियर, जैसे याकूब मेनन को आप जानते हैं ना, नेपाल में था, कराची से नेपाल गया था, उसके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इतना अच्छा पकड़े और दिखाए कि दिल्ली में पकड़े बोल के, सेम थिंग मुत्तफा राय को भी इतना अच्छा लाए, पासपोर्ट रिवोक कर दिया, सब करके उसको कॉर्नर कर दिए, उसको आना ही पड़ा, ये दुले साहब को भी आना ही आना पड़ा, ही पड़ा। हाँ। आना था ही आना था ही। अच्छा अब ये बताइए कि आप ये आ गया चलेगा, अब इन्वेस्टर को क्या होगा? अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है, ये जो मंसूर आया है, यह है कि इन्हें अभी ईडी इसको नहीं छोड़ेगी, ईडी ऐसा नहीं कि एक गॉसिप लेवल बात नहीं करती, फाइल्स रखती हैं कि तुझे इतने पैसे आए, तू झूठ बोल रहा है, अगर समझो ये झूठ बोल दिया कि नहीं, तो देखेंगे ये देख प्रूफ, हर तरह का प्रूफ रखे, उसको कन्फ्रंट करेंगे, और ये नेक्स्ट कौन कौन स्केलेटन से बाहर आते हैं, किस किस के स्केलेटन आते हैं, ये वो जैसे पहले वो बुनियाद सीरियल में बोलते ना, अब आगे बोल के वो देखना पड़ेगा। तो अब तो ये देखिए ये एक लंबा प्रोसेस है, जो लोग सोच रहे हैं कल पैसा मिलेगा, मिलने वाला नहीं रहा, नहीं तो ये तो सालों लग सकता है। KPIDA एक्ट में SIT दोनों, यहाँ प्रॉब्लम क्या है फरहान साहब, SIT भी अटैच कर लेगी प्रॉपर्टीज, ईडी भी कर लेगी, और ईडी के ईडी इतना जल्दी छोड़ने नहीं देगी उसको। अब इनो लोग हम बुक कर रहे हैं कर्नाटका के है, KPIDA एक्ट में, KPIDA में 6 मंथ्स का रिलीफ है, उन्हों अपना कानून रखेंगे, अब ये दोनों एजेंसीज कैसा रिजोल्व करके प्रॉपर्टीज को रिलीज करेंगे, दैट इज और वो भी देखना पड़ेगा ना कितना मिलता है। हाँ अब ये 100% मिलने का तो चांस ही नहीं है। रिलीफ एक्ट में KIPD में समझो SIT बोली कि हम लिक्विडेट कर देंगे, कल ऑक्शन करेंगे, ईडी विल से नो, ईडी विल से यू एंड वी हैव अटैच्ड द प्रॉपर्टीज, सो दैट हाउ दैट विल अनफोल्ड वेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या इनको पैसे मिलेगा इवेंचुअली, जो इसके प्रॉपर्टीज है वो लिक्विडेट होने के बाद इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स को अपने हिसाब से रिकवरी के हिसाब से पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज है बताता हूँ, देखिए जो एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ IMA ज्वेलर्स में इन्वेस्टर का पैसा लगा है, ठीक है, ये चीज़ उमर शरीफ ने अपने वीडियो में क्लियरिटी दिया था लोगों को कि देखो ऐसा है कि ये जो आप पैसा डाल रहे हैं ये सिर्फ आप ज्वेलरी के अकाउंट में डाल रहे हैं, इनका जो बिल्डिंग का काम है और बाकी जितने काम है उसमें आपका कोई शेयर नहीं है। तो कल को मंसूर अपने वकील के थ्रू बोलता है ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका प्रॉफिट और नुकसान दोनों में आप शरीक हैं। तो मंसूर बोलता है IMA ज्वेलरी का बिजनेस किया मैंने, मेरा लॉस हो गया तो आपका ही पैसा डूब नहीं गया। मैं देखा हूँ वो जी, ये उमर शरीफ, इसलिए उमर शरीफ बेचारा बेचारा अल्लाह उसको रहम करे अंदर गया, उसमें लिखा है कि आपके डिपॉजिट्स अश्योर्ड हैं और आपका इनकम अश्योर्ड है, इससे दो चीज़ें हैं कि वो जो अगर मैं पैसे डाला हूँ तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी बात काम ही तब, जब आप वो वर्ड अश्योर्ड यूज़ कर रहे हैं, ओके, दैट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट उमर शरीफ हैज सेड, एंड ऑल्सो ये अश्योर्ड जब आता है तो वो जो बिजनेस होता है वो हराम हो जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फाइनेंसेस। तो दोनों तरीके से ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप देखेंगे कोर्ट में नहीं, लेकिन ये लिंक नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपका एग्रीमेंट सिर्फ उसके ज्वेलरी बिजनेस से था, नहीं आप लोगों से पैसे लेके उनके पैसे साइफन ऑफ करके अब बिजनेस कहाँ से खोले, उसको कोर्ट पूछेगी कि तू बिजनेस को इनको भाई कहीं लोग अनएजुकेटेड है, तू ये पैसे बिजनेस के पैसे कहाँ लाए, तो ये क्या बोलेगा, क्या कहीं झाड़ से तोड़ के लाया बोलेगा, ये बोलेगा कि दिस इज द मनी आई हैव टेकन, ही हैज टू शो, नो सी गवर्नमेंट एजेंसी ऐसा नहीं काम करती फरहान साहब, आप 50 लाख दिए हैं तो उसको गोल्ड बिजनेस में ही डाल के रहना, वो ही कांट साइफन द डाइवर्ट द फंड्स, इसका मतलब ये अगर डाइवर्ट फंड किया है तो ये काफी पेचीदा कहानी है, इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है, नहीं ये सुलझेगा, देखिए आप क्यों सुलझेगा, इमीडिएटली एनफोर्समेंट डायरेक्टर SIT विल कम टू अ कंक्लूजन दैट द मनी वाज मिसडायरेक्टेड, साइफंड ऑफ फॉर अदर जो पर्पस के लिए थे उसके लिए इन्वेस्ट नहीं किया, ही हैज यूज्ड इट फॉर हिज ओन पर्सनल कंपनीज, हाउसिंग का हो गया या फ्लैट लेना हो गया, ये तो इलीगल क्राइम है ना, कि आपके पैसे लेके बजाय गोल्ड के आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, ये तो क्राइम है ना, ही इज फ्रॉम एवरी साइड ही इज हेम्ड इन, उसके बचने का बिल्कुल तरीका नहीं है। उमर शरीफ का कंटेंशन, उमर शरीफ को फोन करके बोला था कि आपके कंटेंशन पर मुझे संदीदा नहीं हंसना आता है, आप ना फाइनेंसर हो ना आप, आपको कोई फाइनेंस स्किल्स हैं, आप बैठे बैठे ऐसा, यही नतीजा है बेचारे को ऐसा हुआ। तो आप ये बताइए कि आपको ये पूरी कांड और पूरी कहानी देखने के बाद मंसूर किस टाइप का आदमी लगता है?
बेहुदा, बेशरम, और बिल्कुल ही उसके इसमें ना, उसके शक्ल में ना तौबा है ना तजवी है, ऐसा आदमी है ये। उसके आंखों में अभी भी वो, मैं रिमोर्स नहीं देखा। वो जो पहले की वीडियो थी कि मैं ये हो गया वो हो गया, आई हैव नो सिंपथी फॉर हिम। अभी जब तक मैं तो बोलता हूँ गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट इसके केस में। इतने लोगों को जो ये लपेट में लेके ये चला है, और मुझे अभी तक ये मिस्ट्री है कि लोग आ जाएंगे पैसे दे देंगे। तुम लोगों को, तुम नादान हो या तुम मासूम हो, तुम हो क्या, या तुम किसी तखबे के लोग हो जो उसको उसके प्रोपेगेंडा में सपोर्ट, तुम लोग हो क्या, तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। इतने लोगों को ये करे, हम लोग यहाँ पे अपना खून और पसीना बहा रहे हैं आपको पैसे वापस लाने के लिए, बजाय ये कि आप हम लोग सपोर्ट करें, आप उसे दुआएं दे रहे हैं, बधाएं दे रहे हैं, आप कैसे लोग हैं? एक चीज पे और देखिए कि जब वो बिजनेस कर रहा था यहाँ पे, तो उसकी लंबे लंबे कुर्ते पहनता था, टोपी और बड़ी दाढ़ी। अब ये बताइए, मंसूर हमेशा बोलता है कि मेरे से पैसा लोग मांग रहे थे, गुंडे मेरे पीछे थे, पॉलिटिकल लोग पीछे थे, पुलिस मेरे पीछे थे, इसलिए मैं भाग गया। तुम्हारे दाढ़ी के पीछे कौन था? इनके दाढ़ी के पीछे कोई नहीं था, ऑल दैट इज फसाड। आप जानते हैं ना, दाढ़ी का लिहाज रखना बोले तो वो खुदा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, वो इतनी एहतराम से रखना, ये बेअदबी करके है। वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और जो सहाबा थे उनकी बेअदबी होके है सो ये। और ये जो बोलता ना कि मुझे, वो सब झूठ है फरहान साहब। मतलब दाढ़ी का भी मिसयूज किया? मैं वेरी अपेरेंट है ना, अभी दाढ़ी भी छोटी होगी, टी शर्ट भी आ गया। देखिए फरहान साहब, ये जो बोलता है ना जो पॉलिटिशियंस ये करे वो करे, हम लोग इत्तफाक से आज़ाद हाई लेवल की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता जी। ऐसा कोई भी रोड़ी तो ना फोन करके पैसे दे नहीं बोलता, ना कोई पॉलिटिशियन पैसे दे, इसका चॉइस है वो। ये इसलिए उनको पैसे देता था कि इसके राज उनको मालूम थे, वो फोन करके बोलते थे कि भाई तू ये कर रहा है। उनको भी मुझे नहीं लगता कि पौनसी बोल के मालूम थे, लेकिन तू इलीगल काम कर रहा है, फलाना कर रहा है, पैसे दे, नहीं तो तुझे यू नो वी विल सेंड द पुलिस। तो इनकी गलतियों को वो लोग जानते थे, उसको छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए ये पैसे देता था। इट इज वेरी क्लियर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशनी डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।